दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 16 जनवरी 2021, आज का हमारा विषय है वर्तमान किसान आंदोलन में प्रदर्शनकारी किसान क्यों पहले काफ़ी सफ़र करेंगे यानी भुगतेंगे फिर जीतेंगे। वर्तमान दोबारा देख लीजिए, ये मेन चीज़ है इसकी। वर्तमान किसान आंदोलन में प्रदर्शनकारी किसान क्यों पहले काफ़ी सफ़र करेंगे फिर जीतेंगे। तो भाई मंगल, आप कह रहे हो कि ये किसान लोग अभी काफ़ी सफ़र करेंगे, करने की संभावना है। हमारे सारे स्पीकिंग है जो षड्यंत्र बेस्ड होती है, 3 डायमेंशनल। अब भाई हम पहले ये देखें कि ये समस्या क्या है, वो तो बताने की जरूरत है नहीं। 3 किसानी बिल और मेनली ये प्रदर्शनकारी किसान हैं कौन। भाई देखो, यह प्रदर्शनकारी किसान सारे किसान हैं, देश की सारी जनता है, सारे लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन मेनली तो ये लोग किसान लोग अपर ओबीसी के लोग हैं, अपर ओबीसी के लोग हैं जिनमें आते हैं जाट, गुर्जर, अहीर, मीणा, पटेल इत्यादि। जिनमें ये आते हैं इन्हीं से शुरू हुआ है, ज़्यादा ही इन्हीं का योगदान है, क्योंकि ये बड़े ज़मीन के जोता हैं, इनके पास समय है, पैसा है, हिम्मत है। और दूसरे जो गरीब ग्रुप हैं वे बेचारे चुपचाप या तो घरों में बैठे हैं या तमाशबीन की तरह वहाँ जाते हैं। देखो हमारे समाज का स्ट्रक्चर, ये ऊपर वाला 20% सवर्ण, ये नीचे जो जाली जाली सी हैं ये अपर ओबीसी हैं, जाट, गुर्जर, अहीर, मीणा, पटेल। इसके साथ साथ ये सी है जो ये लोअर ओबीसी है, और ये नीचे और अभी SC ST के लगभग 30% हैं, जो हमने पिछले वीडियो में बताया है कि ए ये सवर्ण है, B+C ओबीसी हैं, इनमें बी अपर ओबीसी हैं 25-30%, सी लोअर ओबीसी हैं 25-30%, और डी हैं SC ST लोअर तबके के लोग। अब भाई इसमें संघर्ष कहाँ हो रहा है? संघर्ष अपने अपने लोगों का, अपने अपने हितों का हो रहा है भाई। ये जो है इसलिए बड़े बड़े सारे किसान और बड़े बड़े किसान यहाँ आए हैं, तो हुक्मरान और इन किसानों के बीच भाई ये संघर्ष तगड़ा है। फिर सारे लोग ही किसानों का साथ दे रहे हैं, वो एक अलग बात है, देना भी चाहिए, मैं भी दे रहा हूँ, मैं भी किसान हूँ। भाई तुम ऐसा कह रहे हो कि ये लोग अभी पहले काफ़ी सफ़र करेंगे। भाई क्यों सफ़र करेंगे? क्योंकि इन्होंने काफ़ी कुछ गलतियाँ की होंगी। सुनिए कैसे। इनमें असल में क्या रहा है, ये आज अपने हकों की लड़ाई लड़ने लगे हैं, लेकिन इस समय ही लड़ाई लड़ना काफ़ी है, काफ़ी नहीं है। ये देखना है कि ये पहले से क्या करते रहे हैं, कहीं उन्होंने ही तो इन परिणामों को नहीं लाया है जो 3 किसान बिल आए। कैसे? सुनो, ये लोग जो हैं ये सारे प्रो हिंदुत्व हिंदुइज्म रहें, यानी सपोर्टिंग दी हुक्मरान एंड सपोर्टिंग दी सवर्ण ग्रुप। ये सारे वे रहे हैं मेनली, क्योंकि ये समझते हैं कि हम तो काफ़ी ऊंचे हैं और ये हमको छोटे मोटे थोड़ी हैं, जैसे भी हो वो अलग बात है। ये सारे प्रो BJP रहे हैं, इनके भाषणों में देख लो ये देता है, सुनाई देता है, और ये खुल्लम खुल्ला स्वीकार भी करते हैं, और ये फैक्ट भी है। और ये लोग जो BJP या RSS जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, इसमें ये मेन रोल अदा करते हैं और कहते हैं कि हाँ ऐसा। सो देर मिस्टेक्स हैज़ बीन प्रो BJP, प्रो हिंदुइज्म, प्रो मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम करना।
मिस्टेक हो जाए जैसे भी, लेकिन ये ऐसा होता रहा है भाई। अब मंडल कमीशन में देखिए, मंडल कमीशन के बेनिफिशरीज में ये आते हैं, लेकिन इन्होंने मंडल कमीशन को प्रोटेक्ट करने में कोई रोल अदा नहीं किया, क्योंकि ये अपर ग्रुप से आते हैं। जैसे मुलायम सिंह यादव और इन लोगों ने किसी ने कुछ नहीं किया, ऐसे ही यह भी पाप इनके सिर पर आता है। डिटेल आप छोटा सा वीडियो में, मैं सब कुछ नहीं कह सकता। देखो ये जब प्रो बीजेपी प्रो आरएसएस रहे हैं, तो इन्होंने ये समझा है कि बीजेपी जो काम कर रही है वो सारे हमारे काम है, अच्छे अच्छे हैं। देखो धारा 370, जब धारा 370 हटाई गई है, जिसका जो काम हुआ, देवर सपोर्टिंग द हुक्मरान, अरे तो अच्छा है, अच्छा है, ऐसा करो। जबकि उसका डिटेल किसी को पता नहीं इनको, कि भाई वो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। चलो जब ईवीएम का स्कैंडल हुआ तो इन्होंने कुछ नहीं किया, ये कोई दूसरे लोग थोड़े बहुत चिल्लाते रहे कि भाई ये क्या बला है, या तो समझ में नहीं आया कि ईवीएम का चक्कर किया, या ये किया कि अरे यार हमारी बीजेपी ने तो किया होगा, क्या इसको उठाना, हमारी बीजेपी ईवीएम से फ़ायदा उठाती तो उठाने दो। पुलवामा, तब इन्होंने कोई हल्ला नहीं मचाया कि किसके कितने लोग मारे गए, अरे भाई हमत पर थोड़ी सीधा डायरेक्ट अटैक होता है। सीए में नेशनल मीडिया और बहुत सी चीज़ों का, इन लोगों की अशिक्षा का ये है, इनको पता ही नहीं चला कि सीए किस चिड़िया का नाम है। अरे भाई प्रोपेगेंडा ऐसा फैलाया गया कि तो मुसलमानों के विरुद्ध, अरे छोड़ो ने भाई, इसमें हमें कुछ नहीं करना। दे डिड नॉट टेक पार्ट इन सीए मूवमेंट। ज़्यादातर यूएपीए बना तब यही था, देवर सपोर्टिंग दी हुक्मरान बीजेपी, और ये प्राइवेटाइजेशन हुआ तब किसी ने कोई नहीं कहा कि ये तुम क्यों कर रहे हो। देखो ये सारे दीज वर डन बाय दीज अपर ओबीसी, ऐसा अदर वीकर सेक्शंस मैटर्स। जब कभी कोई दूसरे लोगों का मैटर हो, ये जो वीकर सेक्शन 30% का जो है यहाँ का, तब ये कोई सपोर्ट नहीं किया कि भाई ये इसमें क्या होना चाहिए। और दूसरा देखिए, और अदर प्रॉब्लम्स में भी नहीं किया। देखो मैं दोष नहीं दे रहा, मैं एक एनालिसिस कर रहा हूँ। दे मेड दी बीजेपी माइंड हाई ऑल दीज थिंग्स, सारी चीज़ों ने बीजेपी का दिमाग, आरएसएस का दिमाग ऊंचा बना दिया, कि अनचैलेंज बना दिया कि हमारा कोई क्या कर सकता है। एक तो 15-20% जो अपर ग्रुप्स हैं उनके पास ही सारी धन, सत्ता, व्यापार, शिक्षा, मीडिया सारा। उसके बाद में 50% ओबीसी का भी, 30% ये अपर ओबीसी ग्रुप उनका सपोर्ट करे, फिर उन हुक्मरानों को क्या चिंता। फिर बेचारा बचा 45-50% लोअर ग्रुप का, उनको वैसे ही अपना पेट भरने का आगे फुर्सत नहीं मिलती, क्या ही करें भाई, मरे या जिए, न पैसा, न दिमाग, न शिक्षा, न हिम्मत, न कोई सुने, भाई चलते रहो। ये ऐसा चलता रहा है, आप देखेंगे कि इन सब चीज़ों में मेन रोल इनका रहा है किसानों का और इस ग्रुप का, क्योंकि उन्होंने यह सपोर्ट देकर इस गवर्नमेंट को सपोर्ट दे करके, आरएसएस बीजेपी को सपोर्ट दे करके ज़्यादातर ये काम कराए। हो सकता है आप मेरी बातों से सहमत हो या नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन है ऐसा ही। और देखो जब ये तीन किसान बिल आए, तब ये तिल मिलाए कि भाई ये बहुत बुरा हुआ, अब तो मर जाएंगे। मतलब कि कोई भी मरे, किसी को चिंता नहीं है। जो हेट्रोजीनस जो हम समाज बताते हैं, हम पर चोट होगी तो हम बोलेंगे, यह यहाँ पर भी हुआ है और होता रहता है। गरीब लोगों की कोई नहीं सोचता कि उनके पास क्या पोजीशन है भाई, दीज वीकर सेक्शन से, कि इनके पास खाना है कि नहीं, धन है कि, शिक्षा है कि नहीं, ये क्या है, अरे मर रहे होंगे। इनको रास्ते में भी नहीं चलने दिया जाता,
अरे इनको पानी भरने की सुविधा नहीं है और क्या है। असल में देखा जाए तो ये सब गरीब ग्रुपों, गरीब लोगों की बददुआओं से आ से ही ये संघर्ष हो रहा है और ज़्यादा भयानक होगा। ये प्रकृति करा रही है कि अब जो बीजेपी के जो मेन कोर ग्रुप्स हैं उन्हीं उनमें ज़्यादा लड़ाई हो रही है और अपने स्वार्थों की वजह से ये सारे लोग भी इसी ग्रुप के साथ होंगे। किसी को चिंता नहीं है कि भंगियों के साथ क्यों क्या हुआ, कंजरों के साथ भाई तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है, इन बेचारे नटों के साथ क्या हो रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ क्या होता है, किसी को चिंता नहीं। लेकिन जब हमारे साथ हो गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अभी भी क्या है, हमारे 3 किसान बिल वापस ले लो और हम जाते हैं। अरे भाई तुम जाते तो हो लेकिन इस दुनिया का नियंता ये प्रकृति भी कुछ है, तुम्हें ऐसे जाने देगी तो इस देश के मेन मसले कैसे हल होंगे और इनका और लोगों का कौन है। इसलिए ये प्रॉब्लम सोल्व अभी नहीं हो रही, आगे भी मुश्किल से होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि वर्तमान किसान आंदोलन में प्रदर्शनकारी किसान क्यों पहले काफ़ी सफ़र करेंगे, फिर जीतेंगे। और फिर कैसे जीतेंगे कि ये सारे लोग दिस ग्रुप वीकर सेक्शन एंड लोअर ओबीसी विल आल्सो सपोर्ट दिस ग्रुप, फिर ये काफ़ी सफ़र कर लेंगे, तब जाकर कोई जीत होगी। और उसमें भी ये जो हुक्मरान हैं वो ऐसे ही गद्दी नहीं छोड़ देंगे। इसलिए दोस्तों शायद इतना कुछ समझने के बाद या के बाद आप कहेंगे कि मंगल सही कह रहा है और भाई ये अभी ऐसे ऐसे चलेगा और इनकी परेशानियों का जो कारण यह है क्योंकि हमने जो कर्म किए जो बोया है वो तो काटना ही पड़ेगा। अभी भी ये कि भाई हमारा ले लो और जाने दो, भाड़ में जाए सारा देश, ऐसे तैसे कराए कश्मीर के लोग, कौन उनकी सुने। ईवीएम अरे कर ली होगी हमारी पार्टी ने तो किया था, हम जने जिनको दिया, चलो हमारा फायदा है, तुम्हारा फायदा है तो भुगतो अब। अरे पुलवामा कौन चिंता करे, सीए भाई समझ में नहीं आता, अरे यार ये तो ये इनके विरुद्ध है। ये सारे और भी हम जो अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि अब टकराव होगा क्योंकि वैसे ये लोग छोड़ने वाले नहीं है। फिर गोली चलेगी, गोली चलेगी तो ये प्रदर्शनकारी आंदोलन कारी सफर करेंगे, फिर इमरजेंसी घोषित होगी, फिर मिलिट्री रोड्स पर उतारी जाएगी। फिर मेरा विचार है, मेरा कैलकुलेशन से है कि देन मिलिट्री विल फेवर दीज किसान एंड अदर पब्लिक बिकॉज दे नो व्हाट द हुक्मरान आर डूइंग। मिलिट्री विल फेवर दीज मन देन दी विक्ट्री विल कम फॉर दीज किसान एंड रेस्ट ऑफ 80% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तब जाकर कोई क्रांति होगी, तब जाकर अच्छे रिजल्ट निकलेंगे। भाई मेरा तो यही विचार है, आप इस दुनिया को चलाने वाला परमात्मा कोई इडियट नहीं है, वह सारी दुनिया को ऐसे ही नहीं चलाता। और जो आदमी सफ़र करता है प्रकृति के साथ छेड़खानी करने में, जीव जंतुओं के साथ छेड़खानी करने में, अपने छोटे भाइयों के साथ छेड़खानी करने में, वे सारी हरकतें भारत में हुई हैं। इसलिए अब बड़े लोग सफ़र करेंगे ये लिख लो, और हम अपने संभाषणों में बोलते रहते हैं। और हमने बोला है कि ये बड़े लोग धन की पोटलियों को छोड़कर, सत्ता की गद्दियों को छोड़कर, बड़े बड़े मठों को छोड़ करके भागेंगे और कहेंगे कि भाई ये लो हमें, तुम हमारी जान बख्श दो। ऐसा ही होगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। लेकिन इस सफ़र में, इस आंदोलन में या कोई दूसरा रूप लेता है, कितनी जनहानि होगी या कैसे कैसे होगी ये सिर्फ अंदाजा ही लगा जा सकता है, लेकिन होगा तो ऐसा ही। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।